students, welcome you all in your subject science. Okay, so let's continue our chapter about the light and shadow. So students, had you played with the shadow and have you checked your shadow? अपने अपने शेडो चेक किए, कब लॉन्ग दिखता है, कभी शॉर्ट दिखता है, कौन से डिरेक्शन में. ओके, बोला था ना मैंने कि सब अपने घर पे ऐसे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के शेडो या तो अपने शेडो चेक करना. ओके, चलो लेट्स रीड द फैक्ट फाइल इन अ पिंक बॉक्स. देर आर सर्टेन इंसेक्ट्स विच गिव ऑफ लाइट. ओके, ऑफ लाइट. They are often, okay, called glowworms. देखो कुछ insects होते हैं वो भी natural lights देते हैं, उनकी खुद की light होती है. जैसे कि हम बोलते हैं ना वो fire bee, जिसे हम गुजराती में आज्ञा बोलते हैं, light वाले insects. Okay, तो उनकी खुद की natural light होती है, तो कभी कभी वो भी हमें light देते हैं. So blank helps us to see things. हमें कोई भी चीज़ें देखने में कौन हेल्प करते हैं? लाइट की शेडो. यस, लाइट. ओके, वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स इन द ब्लैंक. कब हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है, लाइट में कि इन डार्क? डार्क में नहीं दिखता है कि लाइट में? डार्क में नहीं दिखता है, राइट? अंधेरे में दिखता है? नो, दैट मीन्स डार्क में हमें कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखता है. अ ब्लैंक कैन बी फॉर्म्ड ऑन अनदर ऑब्जेक्ट. ब्लैंक कैन बी फॉर्म्ड. चलो, क्या फॉर्म्ड होता है दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर? सोर्स ऑफ लाइट की शेडो. तो फॉर्म्ड होता है शेडो. शेडो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉर्म होता है ना, जैसे कि हमने बोला था कि शेडो अगर आपको देखना है तो पीछे बेस होना चाहिए, या तो वॉल या कोई थिंग्स या तो ग्राउंड, तो वहाँ पे वो ऑब्जेक्ट आपको उसका शेडो दिखेगा. ओके, तो शेडो कैन बी फॉर्म्ड ऑन द अनदर ऑब्जेक्ट. ए शेडो इज फॉर्म्ड इन द ब्लैंक साइड ऑफ लाइट. लाइट के कौन से साइड होता है? सेम साइड की ऑपोजिट. याद करो मैंने समझाया था, यस, है ना, opposite side. Okay, a shadow is a form then light blank pass through in object. Chalo, kab shadow form hota hai? Light can pass ki cannot pass? Light can not pass. Light pass ho jati hai to light dikhti hai na. Agar light nahi pahunchti hai, pass nahi hoti hai, to shadow form hota hai. Okay, chalo. How long is a shadow? Shadow कितना लंबा होना चाहिए? चलो ये भी हम देखते हैं, बराबर. So आपने ऑब्जर्व किया होगा, जो आपने शेडो कोई भी चीज़ों के लिए होंगे, तो कभी कभी हमारे घर पे जो शेडो आते हैं ना बाजू के घर वालों की दीवार के, तो मॉर्निंग में कभी ज़्यादा होता है, फिर आफ्टरनून होते होते वो वहाँ पे शेडो कम होता जाता है. क्यों ऐसे होता है? बिकॉज द अवर अर्थ मूव्स अराउंड द सन. हम सन के आसपास, और हमारी अर्थ खुद अपने एक्सिस के ऊपर मूव होती है, इसलिए वो धीरे धीरे जो शेडो है वो चेंज होते रहता है, क्योंकि सन का डिरेक्शन चेंज होता रहता है ना, इसलिए. क्योंकि मॉर्निंग में सन राइजेज इन द ईस्ट, फिर धीरे धीरे आफ्टरनून में कहाँ आता है? ऑन द अवर हेड, और फिर धीरे धीरे गोज़ इनटू द वेस्ट डिरेक्शन. ओके, तो सनसेट्स इन अ वेस्ट. सो गो आउट इन द सन ड्यूरिंग द मॉर्निंग, लुक एट द योर शेडो एंड गो आउट एट नून. फिर दोपहर में जाओ और उसी जगह पे खड़े रहो जहाँ पे आप मॉर्निंग में खड़े रहे थे, और फिर देखो अपना शेडो. ओके, लुक एट योर शेडो इन द इवनिंग. फिर इवनिंग में वहीं खड़े रहो और अपना शेडो चेक करो. आर योर शेडोज आर इक्वल लेंथ? सब एक जैसी लंबाई के थे? नॉट एक्चुअली. ओके, द शेडोज हैव डिफरेंट लेंथ
एंड डिफरेंट टाइम ऑफ द डे, अलग अलग टाइम में अलग अलग साइज़ के उसकी लेंथ चेंज होती रहती है, शेडो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो यहाँ पे पिक्चर से आपको सीधा पता चलेगा, जब देखो यहाँ पे मॉर्निंग में सन बराबर सन राइजेज हुआ मॉर्निंग में ईस्ट डिरेक्शन में, तो शेडो कितना लॉन्ग है देखो पीछे, और कहाँ शेडो है ऑपोजिट डिरेक्शन में है, ये सन है वो हमारे लेफ्ट साइड से है तो शेडो राइट साइड में है, ओके। और नॉर्थ ईस्ट वेस्ट हम बोले तो ईस्ट में अगर सन है तो वेस्ट में शेडो है। फिर धीरे धीरे नून होते समय 12 बजे तक हमारे ऊपर ऊपर टॉप के ऊपर ऐसे आ जाता है बराबर, तो देखो यहाँ पे ऊपर आ गया तो इस ये जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर तो इतना ही शेडो दिखेगा, थोड़ा सा ही, बहुत छोटा सा, हमारा भी ऐसा ही शेडो बन जाता है जहाँ पे हम खड़े ना उसके आसपास थोड़ा दिखता है बस, दैट्स इट। फिर देखो इवनिंग में थोड़ा चेंज हो जाता है, ओके। इवनिंग में क्या होता है, यहाँ पे देखो सन पीछे से आ रहा है वेस्ट में चला जाएगा ना, तो फिर से वो शेडो देखो जैसा मॉर्निंग में था वैसा ही हो गया बिग साइज, बट अगर अभी कौन सी डिरेक्शन में है, ईस्ट डिरेक्शन में, क्योंकि वेस्ट में जो सन है ना इसलिए, ओके। तो वेस्ट में अभी मतलब चेंज हो गया, पहले जो जिस डिरेक्शन में था उस डिरेक्शन से बिल्कुल ऑपोजिट। सो व्हाट डू वी गेट द लाइट फ्रॉम, तो एक तो हमने देखा कि शेडो के जो लेंथ होती है वो पूरे दिन थ्रू डे चेंज होती रहती है, ओके। मॉर्निंग में लॉन्ग लेंथ, ओके, डिरेक्शन इन अ वेस्ट, और नून में एकदम शॉर्टेस्ट, बहुत छोटी से छोटी कब होती है नून में, इवनिंग में फिर से लॉन्गेस्ट। सो व्हाट डू वी गेट लाइट फ्रॉम, लाइट हमें कहाँ से मिलती है, ओके। व्हाट डू वी गेट, कहाँ से लेते हैं हम लाइट, तो हमारे घर पे लाइट कहाँ पे आती है, ट्यूब लाइट, लैम्प, ओके। मॉर्निंग में सनलाइट, सो वी कांट वी सी एनीथिंग क्लियरली इनसाइड द सेकंड रूम, ओके। दूसरे रूम में हमें सीधा कुछ ऐसा नहीं दिखेगा, इट इज़ बिकॉज द लाइट इज नॉट स्विच्ड ऑन, अगर लाइट स्विच ऑन नहीं है तो कुछ नहीं दिखेगा। व्हेन द बल्ब इज स्विच्ड ऑन वी कैन सी इनसाइड द रूम, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे हम, ओके, जाते अंदर जाते ही सब लोग बोलते हैं ना चलो लाइट ऑन करो ना, तो जैसे ही स्विच ऑन किया तो सब विजिबल हो गया, सब चीज़ें दिखने लगती है, राइट। थिंग्स दैट गिव आउट लाइट आर कॉल्ड, ओके, सोर्सेस ऑफ लाइट, तो जो चीज़ हमें लाइट देती है उसे कहते हैं सोर्सेस ऑफ लाइट। सो इन द रूम द बल्ब इज अ सोर्स ऑफ लाइट, तो हमारे रूम में कौन सी सोर्स है, तो बल्ब है ना, वो सोर्स ऑफ लाइट है, ओके। और कुछ नेचुरल लाइट्स होती है, कुछ आर्टिफिशियल लाइट होती है, जैसे कि ये जो लैम्प, कैंडल, टॉर्च, ये सब आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है, ओके। तो नेचुरल लाइट्स कौन से हैं, जो हम सन देखते हैं, ओके, उसकी नेचुरल लाइट है, हम थोड़ी वहाँ पे लाइट ऑन करने जाते हैं, अपने आप होता है ना, तो वो नेचुरल लाइट्स है, स्टार्स उनकी नेचुरल लाइट्स है, ओके। तो ये सब नेचुरल लाइट्स है और बाकी आर्टिफिशियल लाइट है, ओके। चलो, देर आर मेनी अदर सोर्स ऑफ लाइट, ए कैंडल, फ्लैश लाइट, हमारे मोबाइल में होती है ना फ्लैश लाइट, और लैम्प ऑफ कार्स, आगे की कार की जो लाइट्स होती है, फिर स्ट्रीट लाइट, रोड पे स्ट्रीट लाइट्स होती है, स्टार्स इन द स्काई एंड बोन फायर, हम ऐसे लकड़ी करके चलाते हैं, दैट इज बोन फायर, आर ऑल्सो कॉल्ड द सोर्स ऑफ लाइट, ओके। सो वेयर इज योर शेडो फॉर्म व्हेन यू शाउड स्टैंड बिहाइंड अ स्ट्रीट लाइट, देखो जब आप स्ट्रीट लाइट के सामने खड़े रहते हो तो आपका शेडो कहाँ होता है, बिहाइंड अस, हमारे पीछे होता है ना, ओके।
क्योंकि स्ट्रीट लाइट ऊपर है तो वो पीछे नीचे होता है ग्राउंड के ऊपर। कहाँ पे होता है? ऑन द ग्राउंड बिहाइंड अस। चलो तो ये लाइट हो गया। तो लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, वी कांट सी एनीथिंग विदाउट द लाइट। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो नाउ टर्न द पेज। देखो यहाँ पे कुछ लाइट सोर्सेस एग्जांपल है, फ्लैश लाइट है, हेड लाइट ऑफ द स्कूटर, कैंडल, मैजिक स्टार्स, स्ट्रीट लाइट, ये सब क्या है? सोर्सेस ऑफ लाइट। द सन इज द मोस्ट पावरफुल सोर्स ऑफ लाइट। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। द अर्थ वुड हैव बीन टोटली डार्क विदाउट द लाइट फ्रॉम द सन। यस, अगर अर्थ देखे ना तो अर्थ की खुद की लाइट तो है ही नहीं यहाँ पे। अगर सन लाइट नहीं होती तो हमारा जो अर्थ है वो टोटली डार्क दिखता, अर्थ पे कुछ हमें नहीं दिखता। ओके, विदाउट द लाइट ऑफ द सन। तो सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइट, मेन सोर्स है। ओके तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ओवर हो गया। ओके यहाँ पे कीवर्ड में सिर्फ एक ही वर्ड है, शेडो। शेडो किसे कहते हैं? अ डार्क पेज सीन ऑन द ग्राउंड, अ वॉल और एनी अदर ऑब्जेक्ट। व्हेन समथिंग डज नॉट लेट लाइट पास थ्रू इट, इट इज़ कॉल्ड शेडो। जब कोई चीज़ लाइट को पास होने नहीं देती है तो जो डार्क पेज उसका उस चीज़ का दिखता है उसे कहते हैं शेडो। ओके चलो आज के लिए यहाँ पे रखते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू।